हेलो दोस्तों, मैं सुनील चिरानिया अपने यूट्यूब चैनल सुनील पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं 1989 में आई फिल्म बंटवारा की शूटिंग लोकेशन का वीडियो। जेपी दत्ता के डायरेक्शन में बनी फिल्म बंटवारा की शूटिंग राजस्थान की राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ फोर्ट और गेटोर की छतरियों में शूट की गई। दोस्तों, फिल्म में स्टार कास्टिंग की बात की जाए तो धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, अमृता सिंह, पूनम ढिल्लो, डिम्पल कपाड़िया और अमरीश पुरी ने अभिनय किया था। दोस्तों, शूटिंग लोकेशन पे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गेटोर की छतरियाँ जयपुर, जिसे गेटोर मकबरा भी कहा जाता है, जयपुर आमेर रोड पर नाहरगढ़ किले की तलवटी में ब्रह्मपुरी नामक दीवार वाले शहर क्षेत्र में स्थित है। गेटोर राजस्थान के शाही महाराजाओं का शमशान घाट है। ऐसा माना जाता है कि गेटोर शब्द गाय का थोर का गलत उच्चारण रूप है। इसका अर्थ है द्विंगत आत्माओं का विश्राम स्थल। शमशान स्थल के ऊपर शाही कब्रें बनाई गई है। प्रत्येक स्मारक पर नक्काशी संबंधित महाराजाओं के स्वाद का प्रतिबिंब है। ये स्मारक इस्लामी और हिंदू वास्तुकला का एक आदर्श संयोग है। गेटोर में कब्रें अलंकृत गुंबदों के साथ खुले मंडप के रूप में है, जो जटिल रूप से गढ़े हुए स्तंभों द्वारा समर्थित है। प्रत्येक छतरी की साज सज्जा और प्रचुरता एक विशेष राजा के कद और निपुणता को दर्शाती है। महाराजा प्रताप सिंह, माधो सिंह द्वितीय और जय सिंह द्वितीय सहित अन्य लोगों को यहाँ सम्मानित किया जाता है। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय की कब्र सबसे प्रभावशाली मानी जाती है, क्योंकि यह 20 नक्काशीदार स्तंभों द्वारा समर्थित गुंबद के साथ सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। यह स्थान यहाँ से मानसरोवर झील और जल महल के दृश्यों सहित पूरे जयपुर शहर का एक शानदार चित्रमाला प्रस्तुत करता है। जयपुर के अन्य पर्यटन स्थलों के विपरीत रॉयल गेटर टॉम्स में भीड़ नहीं होती और दोस्तों और परिवारों के साथ आराम करने के लिए सबसे अच्छी जगह। सितंबर में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय की पुण्यतिथि के दौरान रॉयल गेटोर घूमने का सबसे अच्छा समय है। गढ़ गणेश और नाहर के गणेश मंदिर पास में स्थित है, यहाँ जाया जा सकता है। जयपुर में महारानी की छतरी जल महल के पास में रामगढ़ चौराहे से ठीक पहले आमेर रोड पर स्थित है। हालांकि छतरियों या स्मारकों की अवधारणा मूल रूप से मुगलों से की थी, लेकिन कुछ समय बाद इसे हिंदू वास्तुकला शैली के एक टुकड़े में बदल दिया गया। छतरियों को मूल रूप से छाया कहा जाता है और पूरे राजस्थान में कई प्रकार की छतरियाँ पाई जाती हैं। महारानी की छतरी या महारानियाँ जयपुर की शाही महिलाओं के लिए एक अद्वितीय स्मारक सेवा रेंज है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यदि रानी अपने पति या राजा से पहले मर जाती है तभी छतरी छत की संरचना के साथ समाप्त हो जाएगी।
लेकिन दूसरे मामलों में जब रानी अपने पति की मृत्यु के बाद मर जाती है तो छतरी अधूरी रह जाती है। गुलाबी शहर में सबसे आश्चर्यजनक आकर्षणों में से एक महारानी की छतरी महारानी असाही महिलाओं के लिए स्मारक सेवा के लिए एक अनूठा क्षेत्र है। इन स्मारकों का उपयोग शाही महिलाओं के प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में किया जाता है और यही कारण है कि इन छतरियों की कीमती सामग्रियों से बनाए गए। सम्मान में महिलाओं के महत्व के आधार पर कुछ कब्रों को सफ़ेद सुंदर संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया था, जबकि कुछ का निर्माण स्थानीय पत्थरों का उपयोग करके किया गया था जो गुलाबी शहर में उपलब्ध है। फिल्म का एक सीन गेटोर की छतरियों के अंदर स्थित इस जगह पर शूट किया जाता है, जिसमें अमृता सिंह इन छतरियों के अंदर डांस करती हुई नजर आती है। आप स्क्रीनशॉट में देख के दोनों छतरियों को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा पीछे पहाड़ को भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन गेटोर की छतरियों के अंदर इसी जगह पर शूट किया जाता है। इसके अलावा जो गेटोर की छतरियों की बाकी की लोकेशन है वो इस प्रकार दिखाई देती है। इसके अंदर चारों तरफ गार्डन और यह जो पहाड़ियों के बीच में बनी गेटोर की छतरियां जो जयपुर राजस्थान में स्थित है। इन गेटोर की छतरियों को एक स्मारक के रूप में भी जाना जाता है। यह है इन स्मारकों को एक मुख्य आकर्षण छत्ती का उपयोग है जो राजपूतों की एक बहुत ही आश्चर्यजनक स्थापित्य से लिए। इन स्मारकों की शानदार उत्कृष्टता और उच्च महल इसे जयपुर के सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक अद्वितीय बनाता है। प्रत्येक छतरी को बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया है। जिनकी स्मृति में इसका निर्माण किया गया है, ये सुंदर और भव्य स्मारक शाही परिवार में महिलाओं की स्थिति और महत्व के प्रतीक को दर्शाता है, जिसे गेटोर की छतरियों के नाम से भी जाना जाता है जो जयपुर राजस्थान में स्थित है। फिल्म का एक सीन गेटोर की छतरियों में स्थित इस छतरी के अंदर शूट किया जाता है, जिसमें अमृता सिंह यहाँ पर डांस करती हुई नजर आती है। आप स्क्रीनशॉट में देख के छतरी के सभी पिलर्स की डिज़ाइन को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा जो छतरी के अंदर जो डिज़ाइन बनी हुई है छत की, इसे भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन गेटोर की छतरियों के अंदर इसी जगह पर शूट किया जाता है। इसके अलावा जो छतरियों की बाकी की लोकेशन और खूबसूरती है वो इस प्रकार दिखाई देती है। चारों तरफ मार्बल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ यह छतरियाँ जो दिवंगत आत्माओं की याद में बनाई गई, जिसे गेटोर की छतरियां भी कहा जाता है जो जयपुर राजस्थान में स्थित है। फिल्म का एक सीन नाहरगढ़ की पहाड़ी के ऊपर इस जगह पर शूट किया जाता है, जिसमें विनोद खन्ना घोड़े पे सवार होकर जाते हुए दिखाई देते हैं और पूनम ढिल्लो उनके पीछे दौड़ती हुई नजर आती है। आप स्क्रीनशॉट में देख के इस पहाड़ी को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा सामने जो जल महल नज़र आ रहा है, इस जल महल को और सामने जो पहाड़ है इनको भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन नाहरगढ़ की पहाड़ी पर इस जगह पर शूट किया जाता है। इस पहाड़ी की जो चारों तरफ की लोकेशन है वो इस प्रकार दिखाई देती है। वो जो सामने नज़र आता है वो नाहरगढ़ की पहाड़ी पर स्थित चरण टेम्पल है जो जयपुर राजस्थान में स्थित है। फिल्म का एक सीन नाहरगढ़ की पहाड़ी पर इस जगह पर शूट किया जाता है, जिसमें पूनम ढिल्लो यहाँ पे खड़े होके गीत गुन गाते हुए नज़र आती है। आप स्क्रीनशॉट में देख के सामने जो चरण टेम्पल नज़र आ रहा है
इस मंदिर की डिज़ाइन को भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन इसी जगह पर शूट किया जाता है। यह चरण टेम्पल जयपुर राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के पिंक सिटी में अरावली पर्वत की ऊंचाई पर बना हुआ है। किले से शहर नज़ारा सच में एक बहुत ही सुंदर दृश्य पेश करता है। नाहरगढ़ का अर्थ है बागों का निवास। आमेर किला और जयगढ़ किले के साथ नाहरगढ़ किला भी जयपुर शहर को एक कड़ी सुरक्षा प्रदान करता है। असल में किले का नाम पहले सुदर्शनगढ़ था, लेकिन बाद में इसको नाहरगढ़ किले के नाम से भी जाना जाने लगा। प्रसिद्ध प्रथाओं के अनुसार नाहर नाम का नाहर शेर भोमिया के लिए गया था, जिन्होंने किले के लिए जगह उपलब्ध करवाई और निर्माण करवाया गया। नाहर की याद में किले के अंदर एक मंदिर का निर्माण किया गया जो उन्हीं के नाम से जाना जाता है। 1734 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा जयपुर में स्थापित किया गया था। इस किले के चारों ओर सुरक्षा के लिए दीवारें बनवाई गई और कहा जाता है कि यह किला पहले आमेर की राजधानी हुआ करता था। दिलचस्प बात यह है कि पूरे इतिहास के दौरान किले पर कभी कभी हमला नहीं किया गया, फिर भी यहाँ पे कई ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, जिसमें मुख्य रूप से 18वीं शताब्दी में जयपुर के मराठाओं के साथ लड़ाई भी हुई, 1837 के साथ विद्रोह भी हुआ। सभी को जयपुर के राजा सवाई राम सिंह ने उनको उनकी सुरक्षा के लिए नाहरगढ़ किले में भेज दिया। 1868 में महाराजा राम सिंह के शासन किले में इस किले का विस्तार किया गया। 1832 से 1892 के समय सवाई माधो सिंह ने नाहरगढ़ में 3.25 लाख की लागत के कई महलों का निर्माण करवाया गया। यह जयपुर राजस्थान में स्थित है। इस नाहरगढ़ किले के अंदर ही यह चरण टेम्पल स्थित है जो जयपुर राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों, ये था फिल्म बंटवारा की शूटिंग लोकेशन का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।